हेलो फ्रेंड्स, आज ये है बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजीज़। अब ये क्या होता है, व्हेन यू डू द अकाउंट्स, अगर आप अकाउंटिंग में जा रहे हैं तो ये आपको बेसिक उसका पता होना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो पहला, सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अ ट्रांजेक्शन, दैट इज़ अ ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज होता है, क्या होता है, गुड्स और उसकी सर्विसेज। जहाँ पे भी ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज फॉर, किसके लिए, मनी के लिए, किसके लिए, मनी के लिए, दैट इज़ मनीज और मनीज वर्थ बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, एटलीस्ट वी रिक्वायर 2%, है ना। तो ट्रांजेक्शन इट इज़ अ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज, और क्या बोल सकते हैं, मनीज वर्थ, जैसे बिटवीन दो पार्टीज़ के लिए, कम से कम दो पार्टी तो होनी चाहिए, बायर और एक सेलर, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। अब इसमें पहला क्या आता है, देर इज़ अ टू पार्ट, तो फर्स्ट वन इज है कैश, है ना, एकदम सिंपल है, तो आपको पता ही है कैश ट्रांजेक्शन, जहाँ पर व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज होता है फॉर अ कैश। अगर सपोज एक बायर और एक सेलर है, गुड्स उन्होंने एक्सचेंज किया फॉर द पर्पज ऑफ कैश, तो इट इज़ अ कंसिडर एज अ कैश ट्रांजेक्शन। और सेकेंड साइड क्या है आपका, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, भाई उसने बोला भैया आज तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमको आप गुड्स दे दीजिए, हम आपको बाद में रिटर्न कर देंगे, दैट इज़ कम अंडर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। व्हेन कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड, लिया भी नहीं है, दिया भी नहीं है, लेकिन हमारा क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज तो हुआ ही है ना, एक्सचेंज हुआ है, इट इज़ अ कंसिडर एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, अभी जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, अभी ए ने परचेज किया है गुड्स, है ना, गुड्स परचेज किया है, का किससे, बी से परचेज किया है, है ना, ऑन अ 2 month क्रेडिट, ऑन अ 2 month क्रेडिट, तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट। यहीं पे इस बंदे ने क्या किया है, ए ने गुड्स तो ख़रीदा है कहाँ से, बी से ख़रीदा है, लेकिन उसको क्या दिया, उसने कैश दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड द कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बाद में फॉलो ऑन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।